अगर सिर्फ ये वाला पीस लेना चाहते हैं हाँ तो ये मार्केट में आपको मिलेगा 1500 रुपये केजी। सिर्फ ये सीना वाला पीस? सिर्फ ये इतना चार पीस जो देख रहे हैं ये 1500 रुपये। देख के भी एकदम रसगुल्ला लग रहा है ये मटन तो ये जो बढ़िया माल जो है यही जाता है जी भैया, है ना? आपके यहाँ ओरिजिनल बढ़िया जाता है? ओरिजिनल बढ़िया जाता है। ये अगला रान का पीस है? ये हो गया अगला रान वाला पीस, जिसमें कि नली वाला पीस जो है वो निकलता है, नली का पीस आएगा। और रोज सुबह हम ही आते हैं यहाँ पे प्योर खसी लेने और सामने कटवाते हैं और रोज लेकर जाते हैं तो बनता है। जिस इंसान को चर्बी वाला पीस खाना है वो पूट और सीना लेते हैं। अच्छा, चर्बी खाना है तो पुट और सीना वाला हिस्सा जो है वो हो गया। देखिए इसमें पुट में चर्बी जमा हुआ है। 50 रुपए के आसपास एक पीस रॉ फॉर्म में जो है उसका रेट पड़ता है हम लोगों। वो भी ओरिजिनल खस्सी बढ़िया का मटन जाता है, तभी तो रेट भी है ज्यादा भैया, तभी तो लोग को पसंद भी आएगा। गर्दन का पीस है सबसे ज्यादा डिमांडेड पार्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड रहता है गर्दन का? जी हाँ। अच्छा, ये वाला जो पीस ये हम लोग बचपन में खाते थे, ये कुरकुराने वाला पीस होता था। हाँ, ये वाला तो अक्सर लोग को ये डाउट हुआ करता है कि जो मटन खा रहे हैं, जब होटल में जा रहे हैं, जब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो मटन खा रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, क्या वहाँ खिलाया जा रहा है। इस वजह से बहुत लोग हिचकिचाते हैं खाने में मटन। इवन हमारे यहाँ भी बहुत लोग मटन आते हैं खाने, तो मतलब इतना उनको हम आश्वासन दिलाए हुए, स्टिल वो लोग जो है हिचकिचाते हैं कि पता नहीं आप मटन खिला रहे हैं, कौन सा मटन है, क्या यूज़ हो रहा है, किस कैटेगरी का मटन है। तो आज ये सारा जो दुविधा है मन में, जो सारा डाउट है, वो दूर करने के लिए हम लोग जिस शॉप से मटन लेते हैं, जिस दुकान से मटन लेते हैं, उसी दुकान पर पहुँच गए हैं। और सिर्फ मटन खरीदते हुए नहीं दिखाएंगे, बहुत सारा ज्ञान भी आपको देने वाले हैं कि मटन का कौन सा पोर्शन खाना चाहिए, कौन सा पीस कैसा होता है, कैसे पहचाने कि वो ओरिजिनल खसी है कि नहीं। तो सारा जो ज्ञान है वो इस वीडियो में देने वाले हैं। पहले भी वैसे इस जगह का शूट किए थे, वो 1-1.5 साल पहले किए थे, बट वो थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पर दिखाए थे। इसमें थोड़ा डिटेल्ड वे में दिखाने वाले हैं, कटने से पहले का भी जो चीज़ है कि कैसे पहचाने, कटने के बाद कौन सा पीस खाएं, किस तरीके से पीस को चूज़ करें अपने पसंद के अनुसार, अपने हेल्थ के अनुसार, तो सारा कुछ जो है इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो मटन जाता है वो किस कैटेगरी का जाता है। अगर इस मटन को आपको खाना है तो आप हमारे रेस्टोरेंट में पहुँच जाइए, जायका पटना का किचन में, जो कि है अशोक राजपथ में, शालीग्राम कॉम्प्लेक्स में। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो डाला हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन का जो गूगल मैप का लिंक है वो डाला हुआ है, उससे आप सीधे हमारे रेस्टोरेंट में पहुँच सकते हैं। हम लोग है गांधी मैदान के पास, ये देख सकते हैं कि इधर मैकडी है, मोना सिनेमा है, और अब हम लोग मूव करना है अशोक राजपथ की ओर। कार से, बाइक से, स्कूटी से, किसी भी चीज़ से पहुँच सकते हैं। मुश्किल से 200 मीटर आपको गांधी मैदान से आगे बढ़ना है और डेस्टिनेशन जो है आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बीएन कॉलेज है। ये जो है ये हो गया बीएन कॉलेज, और बीएन कॉलेज से आपको थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पे अपना कार पार्क कीजिए। फुली आपको लोकेशन समझ में आ चुका होगा, हमारा भी कार जो अंदर आ गया, आराम से यहाँ पार्क हो जाएगा। और ये सामने में जो है रेस्टोरेंट, अभी मटन खरीदने के लिए आए थे तो सोचे कि आज आपको दिखा दे कि कैसे मटन को खरीदा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद इस मटन को हम लोग लेकर जाएंगे अपने रेस्टोरेंट में, वहाँ बनाएंगे, और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का जो मटन है वो हमारे यहाँ सर्व किया जाता है, वो खिलाया जाता है। चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, थोड़ा अलग किस्म का वीडियो है, तो जो ये सब चीज़ नहीं देखना चाहते हैं कि खसी को जिंदा फॉर्म में खाने में दिक्कत नहीं है बट जिंदा देखने में दिक्कत है, तो वो इस वीडियो को ना देखें, या जो पीस को नहीं देखना चाहते हैं, वो सब चीज़ नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें। और जिन्हें ये सब देखने में प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इस वीडियो को देखें, इन्फॉर्मेशन के बाद खाने हमारे रेस्टोरेंट में पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक और वीडियो आएगा कल, इस मटन को हम लोग लेकर जाएंगे, फिर कैसे बनाते हैं वो चीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। लोकेशन बता दें, जिस जगह से लेते हैं वो है करभीगैया के पास, आगे चीना ट्रपुल जो है वो चढ़ जाता है, इधर चला जाता है सीधे करभीगैया स्टेशन, और यहीं पर दुकान है सफ़ी मीट हाउस करके, बहुत पहले भी बनाए हैं, और इनका नंबर भी आपको वीडियो में आगे चल के दिखा देंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मटन वाले दुकान में, और यहीं से हमारा मटन जाता है, बहुत बार पहले भी दिखा चुके हैं, करभीगैया के पास ये वाला शॉप है। और भैया पहचान क्या होता है कि मतलब ओरिजिनल खसी है कि नहीं, कैसे पहचानते हैं? जिंदे खसी को आप खसी देखिए, ओरिजिनल बढ़िया है। और मान लीजिए नहीं ओरिजिनल है, बकरी है या पाठी है, तो उसका दो ठो थान रहेगा यहाँ पर, जैसे बकरी का होता है। तो किसी को भी डाउट है तो इस तरह से आके चेक कर सकते हैं, है ना? खसी ऐसे ही चेक होता है, ये जिंदा खसी में रहेगा, ये बढ़िया खसी है, ये बढ़िया खसी हुआ, यही पहचान है यहाँ। तो हम लोग यहाँ जब भी माल जाता है यही वाला खसी देते हैं ना? हाँ जी। टोटल कितने तरह का माल होता है? 3 कैटेगरी का माल होता है। टोटल 3 कैटेगरी का माल होता है, क्या क्या होता है? एक पहला खसी आता है, एक कैटेगरी हो गया खसी जो सबसे महंगा होता है, जो सबसे महंगा होता है, अच्छा जो हम लोग यहाँ जाता है जी, ठीक है। उसके बाद पाठी होता है, दूसरा कैटेगरी हो गया पाठी का, उसका क्या रेंज रहता है रेट का? उसका 600-550, 550 to 600 के आसपास उसका किलो में रेट रहता है। अच्छा, तीसरा कैटेगरी बकरी आता है, वो क्या रेट होता है? वो आता है 450, 450
कहीं कहीं चार भी मिल जाता होगा, चार भी मिलता है। बट हमारे यहाँ कभी कभी भी आप आके चेक कर सकते हैं, कोई भी रैंडम आके यहाँ चेक कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जब भी जाता है मटन बढ़िया माल जो है यही जाता है जी भैया, है ना। आपके यहाँ ओरिजिनल बढ़िया जाता है, ओरिजिनल बढ़िया जाता है 800 रुपए किलो है ना। हाँ, वही वाला माल जो कभी भी जाता है, किसी को भी डाउट है आप अगर कि ओरिजिनल खसी मिल रहा है कि नहीं, आप आके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो क्लीनिंग वाला जो काम है वो हो गया, और अब जो है इसे पीसेस में काटना है, और लगभग सारा पोर्शन जो है वो हम लोग लेते हैं। एक बार में जब हम लोग लेते हैं तो पूरा एक खसी लेते हैं, एक बैच में पूरा एक खसी का जो माल है वो तैयार होता है। ये कितना किलो था? ये 7 kg था, 7 kg का माल था। ठीक, आपका पीस काट रहे हैं। ये हो गया चाप वाला पीस, तो ये थोड़ा जल्दी गलता है जी। हाँ, है ना, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पीस होता है, सबसे मुलायम पीस अगर किसी को खाना है तो चाप वाला जो पोर्शन है वो खा ले जी। हाँ, ये अगला रान का पीस है, ये हो गया अगला रान वाला पीस, जिसमें कि नली वाला पीस जो है वो निकलता है, नली का पीस आएगा। तो ये भी तो हमको लगता है कि सॉफ्ट ही रहता है जी। हाँ, सारे पार्ट्स सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा कस्टमर का ऑब्जेक्शन रहता है तो वो बैक पिछला रान बोलते हैं कि थोड़ा टाइट लगता है, पिछला रान में थोड़ा रेशा वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा रहता है। हाँ, बोलते हैं कि दांत में फंसता है रेशा। हाँ, वो तो है। अगर किसी को सॉफ्ट पोर्शन खाना है तो ये नली खा सकते हैं, या चाप वाला पोर्शन जो है वो खा सकते हैं जी। हाँ, अगला रान खा सकते हैं, चाप खा सकते हैं, गर्दन खा सकते हैं, गर्दन भी सॉफ्ट होता है जी। हाँ, ये हो गया नली वाला चीज़, है ना, ये नली का पीस है। एक रान में कितना नली का पीस निकलता है? चार पीस निकल जाता है एक रान में जी। हाँ, आगे के रान में 4 पीस, अच्छा पीछे के रान में 2 पीस। ये भी नली है, ये हो गया नली वाला पोर्शन, ये भी अगला रान का नली है। गोल पीस ऊपर के लोग बोलते हैं, पिछला रान को बोलते हैं गोल पीस। ये आपका सॉफ्ट वाला पीस अगला रान। ये भी हो गया नली वाला पीस जी। ये नली भी है और लोग इसको करेली भी बोलते हैं, करेली भी, गर्दन वाला हिस्सा, गर्दन का हिस्सा। ये एकदम मुलायम होता है गर्दन वाला हिस्सा जी। हाँ, इसका बता रहे थे कि हड्डी भी लोग खा लेते हैं, इतना मुलायम होता है। इसका बोन भी सॉफ्ट होता है, हड्डी भी मुलायम होता है। गर्दन का पीस है सबसे ज़्यादा डिमांडेड पार्ट। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है गर्दन का जी। हाँ, आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा नॉलेज भी दे रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा पीस आप खा सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। सीना का पीस थोड़ा फैटी पीस होता है, सीना वाला पीस जो है वो थोड़ा चर्बीदार होता है, चर्बीदार होता है। हाँ, और कम फैट किस में होता है? चाप, चाप में कम फैट होता है। चाप, अगला रान, गर्दन। अच्छा, चाप हो गया, अगला रान हो गया, गर्दन हो गया, वो कम फैट वाला है, कम फैट वाला। ये आ गया भैया कौन सा? पुट वाला हिस्सा, पुट वाला हिस्सा है। इसका भी डिमांड रहता है पूरा, इसका भी डिमांड रहता है। जिस इंसान को चर्बी वाला पीस खाना है वो पुट और सीना लेते हैं। अच्छा, चर्बी खाना है तो पुट और सीना वाला हिस्सा जो है वो हो गया। देखिए, इसमें पुट में चर्बी जमा हुआ है। हाँ हाँ, ये पूरा ऊपर चर्बी का लेयर जो है वो दिख रहा है, दिखता है। तो अगर आपको चर्बी खाना तो ये कमर वाला हिस्सा है ना जी। हाँ, कमर पुट जो है। ठीक, और एक पीस जो है हम लोग का जाता है उसका आप साइज क्या रखते हैं? 60 से 70 ग्राम। एक पीस का साइज जो है वो 60-70 ग्राम के आसपास रखते हैं। तो एक किलो में कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चढ़ता भी नहीं, हमको लगता है 15 पीस चढ़ता होगा लगभग। 15 पीस चढ़ता है एक किलो में, और 800 रुपये है एक किलो का रेट। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या जाता होगा। लगभग समझ लीजिए कि 50 रुपये के आसपास एक पीस रॉ फॉर्म में जो है उसका रेट पड़ता है हम लोगों को। वो भी ओरिजिनल खस्सी बढ़िया का मटन जाता है, तभी तो रेट भी है ज़्यादा, और तभी तो लोग को पसंद भी आएगा। ये वाला भैया कौन सा हिस्सा कट रहा है? अब सीना देंगे, सीना वाला हिस्सा। ऑल पार्ट चला गया, गर्दन चला गया, चाप चला गया, पूट चला गया। तो ये वीडियो देख के अब लोग सीख जाएंगे कि कैसे मटन खरीदना है। हाँ, कौन सा हिस्सा खाना है। किसी को भी अगर दुकान के बारे में जानना है तो नाम है सफ़ी मीट हाउस, करबी गैया के पास है ये दुकान। एड्रेस क्या बताते हैं इसका? करबी गैया के पास है, सिंपल है, पहुंच जाएंगे लोग सीधे। मछली मार्केट इधर जो है, ये चिड़ियाडर पुल चला जाता है ना आगे की ओर। हाँ, आगे चिड़ियाडर पुल है। हाँ, और इधर जो है चला जाता है मछली मार्केट में हमारा शॉप है। वैसे नंबर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सामने में, नंबर काम करता है वो वाला। हाँ, काम करता है। किसी को भी बात करना, कॉल करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। किसी को भी डाउट है कि हमारे यहाँ क्या जाता है तो आप आके यहाँ देख सकते हैं, सुबह सुबह रोज यही वाला माल जो जाता है। हाँ, अब बताइए ये क्या हो गया? सीना। ये सीना का पीस। ठीक है, ये भी डिमांडिंग पोर्शन है। ये भी डिमांड पोर्शन है। सबसे लीस्ट डिमांडिंग है, सबसे कम डिमांड जो है वो पिछला रान का होता है। ये भी पूरा चर्बी वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह का जो पीस आपको दिखता है, पलट के दिखाइएगा पीस।
ऐसा जो पीस आपको दिखता होगा मटन में, वो समझ जाइएगा कि अब से सीना वाला जो पीस है वो होता है। ठीक है, वो जो सारा उधर तैयार किया जा रहा है माल, वो सारा हमारे ही लिए है। पूरा एक खसी का जो माल है वो रेडी किया जा रहा है, इसमें से कि हम लोग पिछला रान को छोड़ देते हैं, उसके अलावा सब कुछ लेते हैं। पूरा ऊपर में जो उजला उजला दिख रहा है, सारा चर्बी वाला हिस्सा है ना, इस चर्बी इसमें से सटा रहता है इसमें जी, इसलिए सीना वाला जो हिस्सा अगर आप सिर्फ बनाइएगा तो टेस्ट भी उसका बढ़िया आता है और थोड़ा हानिकारक भी ज्यादा है कि नहीं। ये अगर सिर्फ ये वाला पीस लेना चाहते हैं हाँ, तो मार्केट में आपको मिलेगा 1500 रुपए केजी सिर्फ ये सीना वाला पीस। सिर्फ ये इतना चार पीस जो देख रहे हैं ये 1500 रुपए, देख के भी एकदम रसगुल्ला लग रहा है ये। सिर्फ लेना है अगर सीना तो 1500 रुपए किलो पड़ता है हाँ। सिर्फ सीना वाला हिस्सा लेना है, इतना डिमांड है। मोटा वाला पीस लेना है, ये वाला पीस चाहिए हाँ, तो ये 1500 रुपए पीस। ये मोटा वाला पीस लेना है तो जी। अच्छा लारा। अच्छा ये वाला जो पीस है, हम लोग बचपन में खाते थे, ये कुरकुराने वाला पीस होता था हाँ, ये वाला तो ये अगला रान में ही रहता था। अगला रान में ही। अच्छा, ये बच्चे लोग भी बहुत पसंद करते हैं नहीं, ये पूरा हड्डी लोग खा लेते हैं। चलिए बहुत सही, तो सारा कुछ जो आज आपको दिखा दिया, सारा पोर्शन दिखा दिया, ऑलमोस्ट सारा पोर्शन सब कुछ तो हो गया ना कम्प्लीट इधर जो है ये वे किया जा रहा है, देख सकते हैं कि लगभग 5 से 6 किलो जो है मीट इसमें से निकला है। बहुत बड़े साइज का खसी नहीं था, खसी का भैया साइज क्या था? 7 केजी 7 किलो का खसी था जी। तो यूजुअली जब भी हमारे यहाँ जाता है इसी रेंज में जाता है, 7 किलो 8 किलो, उससे ज़्यादा बड़ा खसी जो है नहीं वाला जो है वो हो गया गोल पीस जी हाँ। और ये जो लंबा वाला पीस है ये हो गया चाप वाला पीस, चाप का पीस है। तो यही दो तरह का पीस लोग बोलते हैं, मतलब एक गोल पीस और लंबा वाला पीस। लंबा वाला पीस ठीक है, देखिए ये पुट ये हो गया पुट, ये लंबा हड्डी। अच्छा ठीक है, और फिर और देखना है गोल वाला जो था ये गोल पीस है, ये हो गया गोल पीस ये रान वाला पीस हो गया, ये रान का पीस है, ये हो गया करेली वाला पीस, ये करेली है। लंबा वाला जो चीज दिख रहा है वो हो गया करेली है हाँ, ये नली है ठीक है, ये हो गया नली, हो गया करेली, मतलब मसल जो है वो करेली हो गया, हड्डी जो है वो नली हो गया, नली हो गया ठीक है। ये हो गया ना सारा पूरा तैयार, इधर जो हमारा सारा माल था वो हो चुका है रेडी, और अब बस अब यहाँ से लेके चलना है, और अगले वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। जो मेकिंग वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में बस हम लोग जो कैसे खरीदते हैं वो सारा चीज़ आपको दिखाएं। इधर हमारा जो मटन है वो हो चुका है तैयार, और आनंद है यही हमेशा आता है यहाँ पर मटन लेने के लिए, और रोज़ सुबह हम ही आते हैं यहाँ पे प्योर खसी लेने, और सामने कटवाते हैं और रोज़ लेकर जाते हैं तो बनता है। एड्रेस आपको पता ही है, कर भी गई है मस्जिद के सामने फिश मार्केट में ये शॉप है। किसी को भी डाउट होगा कभी भी आके चेक कर सकते हो, तुम यही सुबह में मिलोगे। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह वही 7-8 बजे के बीच में हम यहाँ मिल जाएंगे, मिल जाओगे खरीदते हुए। तो किसी को भी डाउट है कि खसी जा रहा है कि नहीं, चेक कर सकते हैं, और जिनको भी ओरिजिनल खसी खाना है वो जायका पटना का किचन में आ जाए, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं।